अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल खरमकदम है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ये है मानो। तो गाइज, आज यह टॉपिक है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक। पिछले 4-5 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ कि 4-5 दिनों से क्या हो रहा है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एडमिशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन बहुत ही तेज़ी से रन हो रही है और बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग दो तरीक़ों से तहकीकात करेंगे, क्या सही मायने में ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे क्या सही मायने में रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा टाइम ना गवाएं, हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग 4 टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि यह न्यूज़ फेक है या सही है। दूसरा टॉपिक हम लोग ये जानेंगे कि अगर सही मायने में अगर ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो फ़ी पेमेंट क्या होनी चाहिए और क्या होगा और किन किन लोगों के लिए, किस किस कैटेगरी के लिए फ़ी पेमेंट कितनी होनी चाहिए। तीसरी नंबर पर हम लोग ये बात करेंगे कि मेरिट बेसिस और इंटरेस्ट बेसिस क्या होता है और इस पे दाखिला कब तक स्टार्ट होगा, कब तक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। चौथा नंबर ये जानेंगे ये फॉर्म फिल कौन लोग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सीक्वेंस से हम लोग जानते हैं ये न्यूज़ के बारे में। गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग एमएड, बीएड, डीएलएड या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो डिस्प्ले पे नंबर दे रहा है या फिर ईमेल आईडी दे रहा है, आप लोग वहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के लिए 99 रुपये प्राइज रखे हुए हैं। अगर आपके फादर की सैलरी 70,000 है, यानी कि ईयरली टोटल 70,000 इनकम है, तो आप लोगों को डिस्काउंट करके दिया जाएगा, यानी 49 में। अगर ऑर्फन वाले बच्चे हैं यानी जिनके माता पिता नहीं है, वालदैन नहीं है, उनको 49 रुपीज़ का मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साइट पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है एडमिशन से मुतल्लिक। हो सकता है कि एडमिन बिल्डिंग से ये न्यूज़ लीक हो गया हो, जो कि पीडीएफ तैयार किया गया हो और पीडीएफ तैयार करके किसी को दिया जाता है देखने के लिए, सही मायने में देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे। हो सकता है उस वजह से भी ये वायरल हो गया होगा, हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक भी हो। चलिए, दूसरी कौन सी तरीका है जिसमें हम लोग जांचेंगे कि सही मायने में यह न्यूज़ फेक है या गलत। तो सबसे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग साइट में देख रहे होंगे डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं ऑफिशियल साइट पे और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलर मोड वाले पे, जैसे ही ओके कर रहे हैं तो कमिंग सून दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये न्यूज़ सही में हो सकता है फेक है, या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया ये हो सकता है न्यूज़ लीक हो गया हो। जबकि आज 3 तारीख है, 3 तारीख से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फुलफिल होने वाला था और 1 तारीख को नोटिफिकेशन लॉन्च होने वाला था, यानी कि दोनों में से अभी तक कोई भी सही फुलफिल नहीं हुआ है। अभी 3 तारीख अभी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि शाम तक या रात तक शायद लॉन्च हो जाए, पोर्टल ऑन हो जाए। पीडीएफ का जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे साइड में लगाया हुआ है उस पर दिया हुआ है कि जो 2024 शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन और डेट जो है डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 1 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला था, जो कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग, यानी कि ऑनलाइन जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन होने वाला था 3 तारीख से, जो कि वो भी मैं करके आप लोगों को दिखा दिया, वो भी अभी तक सही नहीं है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर 2024 से 2025 पीएडी प्रोग्राम, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी 20 मई 2024 तक पीएडी वालों के लिए फुलफिल कर लेना है। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, टेक्निकल, वोकेशनल और प्रोफेशनल, ये जो प्रोग्राम है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फुलफिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म 20 मई 2024 तक आप लोगों को फुलफिल कर लेना है। फॉर्म ओपन एडिटिंग एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि एडिटिंग आप लोग 27 से 28 मई तक कर सकते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, 4 जून को आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम 11-12-13 जून 2024 तक एग्ज़ाम हो जानी है। ऑल मेरिट बेसिस पीजी जनरल प्रोफेशनल प्रोग्राम और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फुलफिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है 30 जून तक आप लोग मेरिट बेसिस प्रोग्राम
के लिए लॉन्च जो होगा वो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं 30 जून तक। ये मेरिट बेसिस वाले जो एडिट करेंगे 8 और 9 जुलाई 2024 तक एडिट कर सकते हैं, और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स सबमिशन 9 अगस्त तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दो तरह की जो फॉर्म होगी मैंने बता दिया कि सबसे पहले एक एंट्रेंस बेसिस का होगा और दूसरा मेरिट बेसिस। दो तरह का दाखिला मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में होती है। बात करते हैं फीस के बारे में, यानी कि फ़ी कितने लगेंगे और कौन लोग कितना फ़ी जमा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस यानी कि अदर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए ₹550 लगेंगे और मेरिट बेसिस वालों के लिए 350 यानी ₹350 लगेंगे। SC ST PWD OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और ऑल महिला कैंडिडेट यानी लड़कियों के लिए ₹350, और मेरिट बेसिस वालों के लिए जो मैंने कैटेगरी बताया SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर और अदर महिलाओं के लिए, मतलब कि ऑल महिला कैंडिडेट के लिए ₹250 यानी ₹250। और फॉरेन स्टूडेंट यानी विदेशी लड़कों लड़कियों के लिए कितने रुपए है, तो मेरिट बेसिस के लिए भी है 2500 और एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी ₹2500 है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय।